बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं अरबी शोरबा। उसके लिए प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, उसको स्लाइस कर लिए। साथ ही ये लहसुन के जवे हैं, टमाटर एक है उसके भी स्लाइस कर लिए, और ये हल्दी, लाल मिर्च और नमक, और अरबियां हैं आधा किलो, इनको धो के, इनको काट के धो के रख लिया है, और चिकन भी आधा किलो है, वो भी साफ़ करके धो के रखा है। चलें अभी हम शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अब अरबी गोश्त के लिए मैंने मसाला मेरा रेडी हो गया, इसको मैंने प्रेशर लगा लिया था। टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज, लहसुन डाल के मैंने 2 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। अब ये देखें कितना अच्छा सा मसाला ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। अभी हम इसमें चिकन डाल के चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जुमातुल मुबारक का दिन है, बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करें, आमीन। और जो वायरस फैला हुआ है, अल्लाह ताला उस वायरस से भी हम सब मुसलमानों को, पूरी उम्मत है मुसलमान को, अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, धो के मैंने रखा हुआ था, तो चिकन डाल के अब इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। अभी मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, धो के मैंने रखा हुआ था, तो चिकन डाल के अब इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छा सा फ्राई हो चुका हुआ है, अब इसमें साथ ही मैं ये अरबियाँ डाल के इनको भी अच्छा सा भून लेंगे। भून के इनको फिर धो का पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। अरबियाँ थोड़ा टाइम लेंगी गलने में। मसालन हमारा रेडी है अभी, अरबी शोरबा, और अभी हम इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे। बाबा भाई अभी सब नमाज़ पढ़ने गए हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं तो इंशाल्लाह खाना सर्व होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे।